हे गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी टाइम हो रहा है, आई थिंक कितना हो रहा है, अभी 6:30 हो रहा है। तो देखो हम कितनी लेट हो गए। तो सबसे पहले आप लोगों को 27 इफ्तारी मुबारक, रमज़ान मुबारक। तो आज ना इफ्तारी की तैयारी बिल्कुल भी नहीं हुई, आज सिर्फ हम पियेंगे जो भी होगा पीने लायक, और सिर्फ खाएंगे फ्रूट्स, क्योंकि आज इतना ज़्यादा घर का काम फैल रहा था, जैसे कि आप लोगों को पता होगा अगर आपने सैरी का ब्लॉग देखा है। तो अब वही हम इधर उधर करने में बैठे हैं, तो ये कैसे देख रहा है, इसने काम बढ़ा दिया हमारे लिए। जो फ्रिज के अंदर वो थी ना फैनी, वो सारी गिरा दी थी, तो अभी बस जस्ट उसे ना साफ करके अभी हटे हैं, अभी देखते हैं और क्या हो रहा है। अभी बस रह रही है 5 मिनट, और ये फ्रूट्स हमने काट रखे थे, यही रख दिए हैं, और बस ये रही रोटी सही कर रहे हैं जल्दी में। तो ये पकौड़ी भी कल की थी, और ये फ्रूट्स भी हमने कल ही काटे थे, ये रख लिया बस, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बस जल्दी आके बैठ जाओ दोनों। आप लोग हमने कितना काम करा होगा कि हमें इफ्तारी भी नहीं तैयार कर पाए, बस ये तो ये मान लो कि रखी है, फ्रूटी भी रखी थी है मेरी, नहीं तो रुआबजा बन नहीं पाता बिल्कुल भी एंड टाइम पे। आज मम्मी तो कैसा लग रहा है एंड टाइम पे पुरानी इफ्तारी के साथ? तो क्या होगा, पहले 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 लोग तो कुछ भी नहीं खोल खाते थे रमजान खोलने में, और बहुत आज भी बहुत ऐसे लोग हैं जो पानी खोल करो पानी पी करो तो खोलते हैं। शुक्र करना चाहिए ना हर चीज में, अल्लाह का शुक्र है। और ये आया है एक छोटी सी लड़की, मेरी फ्रेंड है, उसके यहाँ से जलेबी। वजू तो हो जाएगी, जल्दी आ जाओ, दुआ कर लो बैठ के। आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, अब तो खाने में इफ्तारी भी अच्छी अच्छी मिला, पहले कहाँ मिला थी, जब तक कुछ नहीं मिला था, बस पानी लिया और रमजान इफ्तार लिया, रोटी खा ली, और शहरी में भी देखो सच्ची बात बिल्कुल सच्चे मन से बता रहे कि बिल्कुल भी शहरी में भी रोटी खा कर रोजा रख लो। जब पुराने जमाने में दूध नहीं था, कुछ नहीं था, खाने की चीज जंगलों में रहते थे। अम्मी बस हो गया टाइम, जल्दी जल्दी खाओ ठंडी ठंडी पकौड़ी। कितनी खुशी हो रही है, कैसी लग रही है ठंडी ठंडी? बढ़िया। अम्मी खाओ, समझ नहीं आ रहा इतना हो गया, कहाँ से शुरू करे कहाँ पे खत्म करे। खट्टी लग रही है बहुत ज्यादा फ्रूटी, क्यों? अम्मी कह रही है मिर्ची की, मिर्च वाली चीज़ों से नहीं खोलना चाहिए एकदम। रोज़ा खजूर में लाने भूल गई, वहाँ रखे हैं फ्रिज में। जलेबी खा लो, टाइम ही कहाँ था गर्म करने का। पानी मत पीना मम्मा ज़्यादा, सुबह से काम में लग रहे हैं ना एकदम। नींद आ रही है, सोने मत देना बिल्कुल मम्मा, जाओ बाहर जाके सफाई करो, कहते सफाई करने आ रहे हैं हम, सबको उठा उठा के कुछ सोते हैं। जलेबी खा रही हूँ, सही है गर्म है जलेबी, यहाँ कुछ भी गर्म नहीं है, बस जलेबी के अलावा एक भी चीज गर्म नहीं है, पकौड़ी भी देखो सुन हुई पड़ी है, और ये भी ठंडा, ये तो होगा ही ठंडा। रोटी पीते इतनी मुंह पे शाइन सी आ गई, एलर्जी नहीं एलर्जी बढ़ा है इसका, एलर्जी एलर्जी एलर्जी। जो हम डेली का नया पूछते ना, मुझे बिल्कुल भी रमजान का जो पता नहीं चलेगा कि रमजान है नहीं है, बस बिल्कुल सो जाए। पर अच्छा तो रुआबजा ही लगता है, वो अपनी जगह ही अपनी जगह है, ये ऐसा लगता है जैसे रुआबजा में टेस्टी लगता है ना तो मैं पहले रुआबजा पीऊंगी, बहुत बुरा लगता था मुझे रुआबजा दूध का, तो अब भी बुरा ही लगता है सच में, और सिकंजी भी नहीं पीऊंगी दूध का रुआबजा, फेवरेट वो भी ठंडा ठंडा चल चल मजा आ जाता है पी के। और एक मुझे रोज अफ्तार में कहना चाहे 4 अंगूर चाहिए चाहे 6 अंगूर जरूर चाहिए। अंगूर से क्या होता है? अच्छा लगे मुझे। अभी पापा लेके आए हैं अपनी दवाई बाहर से, कहाँ है दवाई दिखाना। किस चीज की दवाई है? शुगर की। पापा को शुगर है, शुगर शुगर में अगर चीनी खाओगे ना तो बिल्कुल खत्म हो जाएगी शुगर, क्योंकि
क्योंकि लोहा ही लोहे को काट सकता है, है ना? नहीं होता है ऐसा। मम्मा चलो जल्दी नमाज पढ़ने, फिर नमाज पढ़ के आके करेंगे काम। चलो जल्दी चलो 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 चलो। तो फैल रहा है, देख देख के सर में दर्द हो रहा है। कूलर क्या कह रहे हैं? क्या क्या बोले इन्होंने? ओ मम्मा देखो वो छिपकली खा गई, वो मैं कह रही छिपकली खा गई। अभी वहाँ पे एक मच्छर बैठा था, उसने खा लिया वो, इसने छिपकली ने। छिपकली वोरी किचन में तुम्हारे, वोरी दिख नहीं रही यहाँ से? यहाँ तो तीन तीन है तुम्हारे किचन में। नीचे उतर रही ये, पता कल कहाँ गई थी? बिल्कुल ये मान लो ओवन के ऊपर थी ये, यहाँ पे मैंने फिर इसको रुपट्टे से भगाई जो तुम ओढ़ रही हो इस वाले रुपट्टे से। इसका खौफ खुलता जा रहा है, इसे डरानी पड़ेगी एक बार। ये इफ्तारी पापा हमने ऑर्डर करी है बाहर से, कैसी लग रही है वैसे? सही है? नॉन इंटरेस्टेड, इग्नोर कर दिया इन्होंने मुझे, कोई नहीं भेजे थी चलते। इतनी सस्ती पर हम सस्ती चीज नहीं लगाते क्योंकि वो नुकसान देती है ना फिर। सब चीज कम रेट की है। इतनी सारी ले आए एक साथ ये पर्चे, इतनी सारी की क्या जरूरत थी? चलो चलते हैं नमाज पढ़ने। अभी नमाज तो पढ़ ली है और बस काम का ही रहता है, तो चलो काम करते हैं। तो मम्मा यहाँ से जल्दी से एक कूड़ा बाहर निकाल दो, मतलब इस एरिया को माफ करो क्योंकि पूरा दिन हो गया इस एरिया में ही हमें, और अब बाहर का ले लो थोड़ा सा, बस गिरा दो जो भी है कुछ गिरा दो, देखा जाएगा जो होगा। बस खत्म इस एरिया की कहानी। ऐसा लगा है जो मुड़ रहा है ये इसी वजह से मुड़ गया, रुको मैं सेट करके दूंगा। अब गर्म दो, चलाती रहना, बस चलाना पड़ेगा इसको काफी टाइम तक। और ये देखो पिटेगा ना तू, देखो कितनी देर तेज मार रहा है। कबीर मान जा इन्हें भी। मम्मा कर रही है यहाँ की धुलाई। आज खाने में चिकन की सालन कबीर और मैं खाते हैं, तब आप लोगों से बात करेंगे। तो मम्मा यहाँ पर धो रही है कपड़े और ये लग रही मशीन, पता नहीं ये भी काम कब तक होगा, इसका तो कुछ पता ही नहीं। और ये सब खा रहे हैं खाना, और यहाँ पे इतने सारे बर्तन पड़े हैं, मुझे ये भी धोने हैं। और ये देखो थोड़ी बहुत तो सफाई हो गई है। और यहाँ पे दोनों भी खाना खा रहे हैं। खा लिया अम्मी? ओके ओके बाय। कैसे खा रहा है? आ भी नहीं रहा इसके मुंह में तो कुछ खा। अरे आराम से खा ले, अटक जाएगा कबीर। अम्मी पूरी इंटरेस्टेड है, क्यों नहीं खा रहा तू? अम्मी लाओ मुझे दो, वेस्ट मत करो इसे खिला के सारे। ओ भाई ओ ओ ओ, ओ भाई दोनों का दादी पोतों का स्वैग, देखना 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 भाई। और रखे हैं ऐसे मत कर। बंदर खा ले। तो सब लग गए अपनी फोन की ड्यूटी पे, 1, 2 और 3। मैं यहाँ पर खाना खा रही हूँ, अभी पूरे दिन से काम करके आई है। और यहाँ पर भाईजान लेके आए हैं रसगुल्ले, तो यहाँ पर जिसको शुगर था उन्होंने भी रसगुल्ला खाया है। पता क्या कह रहे हैं कि ये इतना मीठा नहीं होता है अम्मा, क्या कह रहे हैं? इतना मीठा नहीं होता, बस चाय नहीं पीते है मीठी। देखो कितना मस्त लग रहा है। यो क्या हुआ अम्मी, तुम तो खा लो। हाँ तो सबने खत्म भी कर दी खा के। अम्मी तुमने खा ली?
अभी अम्मी अभी नहीं खाई, अम्मी ने अब खाएंगे। खालिया बोलते हैं नहीं, खाली रसगुल्ला, रुक जाओ, रसगुल्ला खा लिया लिया। हाँ ये बात सही बोली, खा लिया। और मुझे तुम सब छोड़ो, ये बताओ कि इन्होंने क्या बोला था कि इतना मीठा नहीं होता है, इतना चुरा लो, 500 में 500 है, अम्मी बताओ तो क्या कह रहे थे। छत बताना, घर भी बना लेंगे। मैं कहा शुगर हो रहा तो मैं रसगुल्ला मत खाओ। हाँ। तो कह रहे रसगुल्ला में तो मिठाई नहीं होता। और क्या नमक होगा, क्या बढ़िया बात कही। और मम्मा चाय पियेंगे वो फिक्की, रसगुल्ला मीठा। अब हमारी पेस्ट्री भी आ चुकी है और ये इतनी बढ़िया लग रही है, बहुत ज्यादा खा ले। ये खा गया सारी तो कैसी लग रही है कबीर? टेस्टी। तुझे तो सब कुछ ही टेस्टी लगता है, सही है? अच्छी लग रही है कबीर, अच्छी लग रही है। ये तो ऊपर से उठा के खा गया, बढ़िया लग रही है। मतलब ये बड़ी वाली अच्छी नहीं लग रही, पर जो छोटी है ना वो ज्यादा अच्छी लग रही है। फिर खड़ा घूम लेगी जो पहले हो गया, ये दिखानी पड़ेगी। कबीर बस मान भी जा, भैया को भी दे दे, उठा के दे दे इसे। कबीर पूरी खा गया पर इसे टेस्ट नहीं लग रहा। पेस्ट्री भी फिनिश हो गई थी और रसगुल्ले तो पता नहीं कब के फिनिश हो गए। अब इस ब्लॉग का करते हैं एंड, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। ओके बाय। और ईद के दिन आएगी सेल्फी फैमिली लाइव, हम आपको टाइमिंग बता देंगे। ओके बाय।